हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित अहलावत और आप सबका स्वागत करता हूं मुद्दे की बात के पहले एपिसोड में। मैंने वीडियो सीरीज इसलिए स्टार्ट की ताकि मैं इंडिया की यंग ऑडियंस के परसिस्टेंट डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं, एटलीस्ट उन डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं जिनका जवाब मेरे पास है। तो आज के एपिसोड का टॉपिक क्या है? आज के एपिसोड का टॉपिक है एनालिटिक्स एज अ बिजनेस फंक्शन एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। एनालिटिक्स होता क्या है? एनालिटिक्स वर्ड एनालिसिस वर्ड से बना है, जिसका मतलब हिंदी में होता है विश्लेषण। विश्लेषण किस चीज़ का किया जाता है? विश्लेषण एक कॉज का किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और डेटा नंबर्स एक ऐसी चीज़ है जो इन कॉज और इफेक्ट को एस्टैब्लिश करने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग एक एस्टैब्लिश इफेक्ट है, फिनोमिना है, और इसमें एनालिटिक्स कहता है, नंबर्स कहते हैं कि पिछले 100 सालों में ग्लोबल वार्मिंग हुई है, लेकिन पिछले 20 से 30 सालों में ग्लोबल वार्मिंग की परसेंटेज इंक्रीज जितना बढ़ा है ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर्स का, तो ये एक बहुत ही हाईली इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही कंसर्निंग इशू बन गया है पूरी दुनिया के लिए, और ये एनालिटिक्स फंक्शन हमको बताता है। दूसरा एग्जांपल मैं इंडिया के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का लेना चाहता हूँ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में अब उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है जितना 20 साल पहले थी। इसका रीज़न ये है, एनालिटिक्स और नंबर्स हमें बताते हैं कि इंडिया की एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1% से थोड़ी ज़्यादा रह गई है पिछले कई सालों में, जबकि 20 साल पहले ये एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसके 1% के मल्टीपल टाइम्स थी। तो बताया ना हमें एनालिटिक्स फंक्शन ने एक ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंगली वरिंग ट्रेंड है। हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या इंडिया में इंक्रीज होता जा रहा है पहले के मुकाबले? नहीं। तो ये है एनालिटिक्स की ताकत। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ मुद्दे की बात। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।